हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है आज के इस इवनिंग सेशन के अंदर। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर हम यहां पे डिस्कस करने वाले, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। देखिए, BTC की प्राइस राइट नाउ चल रही है नियर अबाउट कह सकते हैं कि 27,000 या टच करने वाला है, 26,900 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो बहुत सारे लोग अभी कभी ट्विटर पे मैसेज करते हैं, कभी टेलीग्राम पे करते हैं, ठीक है, कि क्या यहाँ से पूरा मार्केट नीचे आ जाएगा। ठीक है, जहाँ 26,500 आता है, 26,300 आता है, तो वापस से घबराहट आ जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखिए, राइट नाउ फॉर एग्जांपल हम पकड़ते हैं, अभी 27,000 चल रहा है, पर हम एक लेवल पकड़ते हैं कि ठीक है, 26,500 के आसपास प्राइस है। ओके, अब यहाँ से सोचो कि मार्केट अगर नीचे जाएगा, सपोज़ करो कोई बुरी खबर आती है, ठीक है, कुछ भी ऐसा होता है, तो कहाँ तक जाएगा। तो एक लमसम जो आइडिया माइंड के अंदर लगा के रखा है, वो आपको 23,000 है, फिर 21,000 मैंने इसलिए लगाया है बिकॉज ऑफ द CME कैप जो पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, तो ये हमने एक एजम्पशन बना के रखा है कि इतना हो सकता है। ठीक है, कितना जा सकता है, यानी कि 6,000 के आसपास नीचे पॉसिबल है कि एक मार सकता है, लेकिन ऊपर जाने का जो रास्ता है, ठीक है, वो बहुत लंबा है, पूरा आसमान खुला है, ये प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। और हमने पहले भी देखा है कि जब कभी ETF की न्यूज़ आती है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो कितनी तेज़ी से ये भागता है, मतलब कि 4-5,000 ऐसी छलांग मार देता है। ओके, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहो मार्केट के अंदर। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे कवर अप करना चाहता हूँ, देखिए, हमने अभी REN का कॉल दिया था आप लोगों को, अच्छा खासा चल रहा है, ऊपर देख सकते हैं स्क्रीन पर, अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, और उसके साथ हमने हॉट का दिया था, होलो का दिया था, यानी HOT और इन पेयर ऑफ USDT, ठीक है, तो वो भी अच्छा खासा है। और अगर BTC की प्राइस 27,000 से ऊपर जाता है, तो ये दोनों कॉइन अच्छे खासे मेरे हिसाब से परफॉर्म करने चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर भी, उससे पहले मैंने आप लोग से कहा था कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं, उन एक्सचेंजेस पे USDT जो है ना, वो लोड हो चुका है नियर अबाउट कह सकता हूँ मैं, जो मैंने नंबर बताया था, शायद 14 बिलियन के आसपास। ओके, अलग अलग एक्सचेंजेस पे USDT आ चुका है। ओके, क्यों आया है? बिकॉज कभी भी हरी झंडी दिख सकती है और बाइंग स्टार्ट हो सकती है। कौन सी हरी झंडी दिखेगी? ETF के बारे में। ओके, अभी जो ETF का सबको एक इंतज़ार है, ब्लैक रॉक का सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लैक रॉक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक एसेट मैनेजर है, ठीक है, नियर अबाउट कह सकते हैं ट्रिलियंस ऑफ मनी है उसके पास, और उसने ETF के लिए अप्लाई करके रखा है। अब उसका और SEC का बहुत दिनों से चल रहा था, हाना चल रहा था, SEC डिले करते रहा था। कोर्ट ने SEC को सीधा सा कहा है कि भैया, ये लास्ट टाइम है, आप कुछ सामने लाते हो, ठीक है, अदरवाइज़ आपको इसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो अभी जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, या यहाँ जो भी देख रहा हूँ, तो सब बहुत पॉजिटिव हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, फुल चांसेस का मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100%, लेकिन स्टिल 75-80% चांसेस हैं कि इसको एक अप्रूवल मिल जाएगा। अगर अप्रूवल नहीं मिलता है, तो वापस से SEC अपनी चाल चल के इसको डिले कर सकता है। तो अगर अप्रूवल मिल गया, तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि ब्लैक रॉक के थ्रू, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ जो मनी है, वो BTC के अंदर आने वाली है। क्योंकि ब्लैक रॉक क्या करता है, उसके पास इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स ब्लैक रॉक के फंड में निवेश करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वहाँ पे उनका फंड सिक्योर रहता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके साथ ही अगर ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है, तो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर बहुत सारे जो ETFs हैं, वो एक साथ अप्रूव किए जाएंगे। ठीक है, और अभी मेरे ख्याल से कल की बात है, शायद एक और 21 ARK, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने भी अपना जो था ETF की एप्लीकेशन फाइल की थी, उसमें कुछ बताया गया था कि ये नहीं है, उसको भी अपडेट करके सबमिट किया गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें चल रही हैं, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि कब यहाँ से एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, मार्केट में दोनों तरह के लोग हैं, दोनों तरह की चीज़ें समझाने वाले लोग हैं। कोई एक पॉजिटिव मोमेंटम को लेकर पकड़ के चलता है कि भाई, यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। कोई कहता है कि नहीं भाई, नेगेटिव, इस हिसाब से होगा, नहीं जा सकता ये। बट मैं आपको ये कहता हूँ कि हमेशा सिनेरियो को पकड़ के चलो, न्यूज़ को पकड़ के चलो, लेवल्स को पकड़ के चलो। लेवल्स हमें बताता है कि ठीक है, हमने 27,300 को ऊपर क्रॉस कर लिया, तो हमारा माइंड और पॉजिटिव हो जाना चाहिए। अगर लेवल नीचे आता है, 26,500 से नीचे आता है, तो हमारा माइंड क्या होना चाहिए? बेरिश हो जाना चाहिए। हम ट्रेडर है भाई, 26,500 से नीचे आया, हमें क्या करना है? हमें करना है शॉर्ट करना है। ठीक, डैट सिंपल। तो ये इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक है, अभी आज एक और दिन की मैं वीडियो देख रहा था, बहुत बढ़िया एनालिस्ट हैं, फॉरेन इंटरनेशनल है, तो वो पूरा एक बेरिश मोड के अंदर ही था। ठीक है, तो देखिए, सारे मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स हैं, कभी कोई ऊपर चलता है, कभी कोई नीचे चलता है। हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले दिन जब इज़राइल वाला स्टार्ट हुआ था, तो फटाक से 400-500 पॉइंट नीचे आया, उसके बाद से 400-500 पॉइंट ऊपर आया,
आज वापस से 400-300 पॉइंट शायद नीचे आया। तो इस हिसाब से मार्केट चल रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि क्रिप्टो नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखो कि जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं जिनका अच्छा खासा नाम है मार्केट के अंदर, जैसे कि ब्लैक रॉक और उसकी तरह से और भी बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट है, ये सब करते हैं, तो वो सब इसके अंदर आ रहे हैं, इतना सारा पैसा तामझाम करके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि देर सवेर बहुत पॉजिटिव चीज़ होने वाली है। अब इसमें उनमें से उन्हीं लोग को फ़ायदा होगा जिनका ETF सबसे पहले अप्रूवल होगा, ठीक है। ये इसके पीछे बहुत मारामारी चल रही कि भाई मेरा पहले कर दो, मेरा पहले कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस एक शॉर्ट वीडियो थी ये बताना था। बाकी मार्केट के अंदर तो मार्केट चल ही रहा है, BTC की प्राइस वही 27,000 के आसपास फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे चलते हैं, अगर मैं यहाँ से दिखा सकूँ तो ये रहा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पूरा क्रिप्टो का मैदान अभी हरा भरा हो गया, थोड़े बहुत लाल लाल नीचे बीच में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ डेट इज़ जस्ट फॉर स्कैल्पिंग, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम जो ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, 35 ऑल्ट कॉइन्स डेट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। उनको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, इन बिटवीन ट्राई कीजिए कि स्कैल्पिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही कहना था कि बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट एंड बी पॉजिटिव फॉर योर पोर्टफोलियो। उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, ठीक है, बट इस उतार चढ़ाव में सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।